स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज आपके लिए खास खबर लेके आ चुके हैं। लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मामा नर्सिस बांड फुल सैलरी। दोस्तों ये एक लगातार हैशटैग चल रहा है जिसपे लगातार यहाँ पर 34,000 से ऊपर रिट्वीट आ चुके हैं। दोस्तों तो आज मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ कि क्यों ये हैशटैग आज ट्रेंड पर चल रहा है। तो चलिए हम पहुँच चुके दोस्तों एक PDF के माध्यम से आपको सारी जानकारी क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्य प्रदेश, ये लेटर जारी किया गया था दोस्तों 18/5/2021 को। यहाँ पर इसके लेटर का क्रमांक भी देख सकते हैं और क्यों जारी किया गया था ये भी मैं आपको सबसे पहले बता दूं ताकि आपकी सारी जानकारियाँ क्लियर रहें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों से GNM प्रशिक्षण उत्तीर्ण छात्राओं की ऑफलाइन काउंसलिंग उपरांत दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कुछ ये वेतनमान दिए गए हैं के आधार पर रिक्त स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु आवंटन प्रदान किया गया था दोस्तों, जिसमें इन छात्राओं का सिलेक्शन किया गया था। करीब ये बहुत सारे नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ये सूची डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऑफिशियल साइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा तो आप बड़ी आसानी से इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि यहाँ की जो नर्सेज दोस्तों जो इनका अभी अभी इनकी नियुक्ति की गई है इनके माध्यम से दोस्तों स्ट्राइक कर दी गई है कि हमें 70% ही सैलरी क्यों दी जा रही है, क्योंकि लगातार जो सरकारी नर्स है दोस्तों उनको पूरा वेतन मान दिया जा रहा है। अनुकंपा में जो नियुक्त हैं दोस्तों उन्हें भी, यानी संविदा में जो नियुक्त सरकारी नर्सें हैं उनको भी बराबर वेतन दिया जा रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पूरी जानकारी आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों वजह क्या है, किस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ तरीके से आप देख सकते हैं ये तीनों कालम आपको पढ़ने होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथे कालम में आपके सैलरी से रिलेटेड बताया गया कि क्या वजह है आपको 70% दिए जाने के। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक के आधार पर भोपाल दिनांक 12/12/2019 द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 8 के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। यानी जो नर्सों की भर्ती की गई है MP में ये मात्र 3 सालों के लिए अभी की गई है, इनकी अवधि अगर बढ़ाई जाएगी तो उसके लिए अलग से लेटर जारी किया जाएगा। उक्त अवधि में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा यानी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में उस पद पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष, ध्यान दीजिएगा वेतनमान का न्यूनतम यानी वेतनमान जो होता है उससे आपको 70% कम पहले वर्ष में आपको दिया जाएगा। यानी आपको जो पहले वर्ष की पूरी सैलरी होगी वो वेतनमान के 70% भाग की होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा वर्ष जो होगा दोस्तों आपका उसमें आपको 80% दी जाएगी और तृतीय वर्ष में आपको 90% राशि दी जाएगी, साथ ही साथ स्टाइपेंड के रूप में। ठीक है, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाएगा। अगर आपकी जो परिवीक्षा अवधि है वो कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण हो जाती है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकेंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और NEET का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। और वहाँ का जो रिक्त स्टाफ पद है वो अभी भी भरा नहीं जाता और आप कंटिन्यू वहाँ पर जॉब करते रहते हैं तो आपका जो वेतनमान है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी आपको 100% सैलरी देनी दे दी जाएगी, ऐसा इनका मानना है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत किया जा रहा है और इसी के आधार पर यहाँ पे जो नई स्टाफ नर्स नियुक्त की गई हैं दोस्तों, GNM छात्राएँ हैं, ये लगातार स्ट्राइक पर आ चुके हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्यों हमें 70% सैलरी दी जा रही। आज का यही रीजन इसी के कारण से ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहा है दोस्तों कि मामा नर्सिस बांड फुल सैलरी, इसका फुल रीजन यही था। अगर आपको पूरी जानकारी समझ में आ चुकी हो तो वीडियो के अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी का पता चल सके। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।